अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जिया। वेलकम बैक टू जियाज किचन एंड व्लॉग्स। तो आज हम बनाने वाले साउथ इंडियन स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपी, और ब्रेकफास्ट में हम बनाने वाले हैं इडली सांभर और उसके साथ कोकोनट की चटनी। और आज का हमारा ये सांभर बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम हमारे सांभर में हमारा होममेड सांभर मसाला डालने वाले हैं। और अभी तक आपने मेरे सांभर मसाले की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मेरे सांभर मसाले की रेसिपी डाल रही हूँ, तो प्लीज एक बार आप उस पे विजिट जरूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट, इडली सांभर और कोकोनट की चटनी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इडली का बैटर देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कप भर के मोटे चावल लिए हैं, इनको हम इडली के चावल भी बोलते हैं। अब हम इनको साइड में रख के दूसरे एक बर्तन में 1 कप भर के उड़द डाल लेंगे। अब हम 1 टीस्पून इतनी मेथी दाना चावल में ऐड कर देंगे और दोनों को हम पानी से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके ले लेंगे और उनमें साफ़ सुथरा पानी भर के रखेंगे। अगर आपके पास रेशन के चावल होंगे तो उनसे भी बहुत अच्छी इडली बनती है, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इनको अच्छे से वॉश करके इनमें ये सब डूबेंगे, इतना पानी भर के साइड में कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। 4 से 5 घंटे बाद अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम उड़द दाल का पानी एक प्याली में निकाल के ले लेंगे, क्योंकि जब हम इनको पीसेंगे तो पानी जब ऐड करेंगे तो ये वाला ही पानी यूज़ करेंगे। अब हमने जो चावल भिगा के रखे थे उसमें हम 1/2 कप भर के पोहा लेंगे। ये हमारा रेगुलर पोहा बनाने का ही पोहा है। उनको हम 1-2 बार अच्छे से वॉश करके उन्हीं चावल में थोड़े टाइम भीगने साइड में रख देंगे, और तब तक अब हम हमारी उड़द दाल पीस के ले लेंगे। दाल पीसने के लिए हम बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम एक थिक बैटर तैयार करके ले लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अब हम इन सबको एक बर्तन में निकाल के ले लेंगे और अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हम उसी जार में हमने जो चावल भिगा के रखे थे वो सारे के सारे इसमें ऐड कर देंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करके चावल का भी थिक बैटर बना के ले लेंगे, और अब हम इन दोनों बैटर को अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। बैटर को मिक्स करने के बाद अब हम साफ़ सुथरे हाथों से इनको 5 मिनट तक ऐसे थोड़ा सा फेंट के ले लेंगे, उससे हमारी इडली बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगी। तो इस तरह से हम फेंट के ले लेंगे। अब हम इस बैटर को ढक्कन लगा के 8 से 9 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। 8 से 9 घंटे बाद अब हम चेक करके ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इन सब को अच्छे से वापस एक बार अच्छे से फेंट के ले लेंगे। यहाँ पे हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसको फेंट के लिया है। तो अब हम इसकी इडली लगाने लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर इडली का इस तरह से बर्तन आता है वो लिया है, और उसको मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करके लिया है ताकि हमारी इडली अच्छे से निकल पाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड कर देंगे, बहुत कम बैटर ऐड नहीं करना है, अच्छे से भर के बैटर ऐड करना है। और अब हम इसमें इडली के साचा होता है उसमें थोड़ा सा पानी भर के मैंने ये सारे इडली हम इसमें रखेंगे और ढक्कन लगा के 10 मिनट कुक करने रखेंगे। तो अब हम हमारा सांभर बनाने लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कुकर में 1 कप भर के तुअर दाल लिए है, उसको हम अच्छे से 2-3 बार वॉश करके अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। इसमें आप थोड़ा सा हींग भी ऐड कर देना, मैंने शूट करना भूल गई। तो अब हम इसमें 1 चम्मच डाल के उसको ढक्कन लगा के 3 से 4 सीटी लेंगे। स्पून डालने से हमारी दाल कुकर से बाहर नहीं आएगी। तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए मैंने 1/2 कप भर के कद्दू एक पानी में ऐड किया है, 1/2 कप इतनी फली ली है, 1/2 कप इतने मैंने बैंगन के पीसेस लिए हैं, और 1/2 कप भर के मैंने यहाँ पे आलू क्लीन करके लिए। आप सब्जी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते। अब हम इनको साइड में रखेंगे। एक छोटे बाउल में अब हम 1 टेबलस्पून भर के इमली लेंगे और सेम क्वांटिटी में हम गुड़ लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इनको हम भीगने के लिए साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो दाल बॉईल की थी वो हमने निकाल के एक बाउल में निकाल के लिए। अब हम हमारा सांभर बनाने लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में
ऑयल लिया है। अब हम उसमें राई और हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर देंगे, 1/4 टी स्पून यहाँ पे हींग ऐड कर देंगे और एक बड़े साइज़ का अनियन लंबे लंबे स्लाइस करके हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इन सबको सौते करके ले लेंगे। अब मैंने इसमें थोड़े से फ्रेश करी पत्ता ऐड किया है और इन सबको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें जो हमने मिक्स वेजिटेबल निकाले थे वो इसमें सारे के सारे ऐड कर देंगे और मसाले में इनको अच्छे से परत के ले लेंगे, भून के ले लेंगे। सब्जियों को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का टोमेटो लंबे लंबे स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर देंगे और इन सब को वापस एक बार अच्छे से भून के ले लेंगे। हम सब्जियां जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही सांभर हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। तो अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून इतनी हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून इतनी कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और 1 से 1.5 टेबलस्पून भर के हमारा होममेड सांभर मसाला ऐड कर देंगे और इन सारे मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कप भर के गर्म पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद वापस एक बार हल्के हाथ से इन सबको मिक्स करके ले लेंगे और पानी को एक बॉईल आने तक वेट करेंगे। हमारे पानी को अच्छे से बॉईल आते ही अब हम इसमें हमने जो बॉईल करके दाल निकाली थी वो इसमें सारी की सारी ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से सांभर को मिक्स करके ले लेंगे और सांभर को एक बॉईल आने का वेट करेंगे। हमारे सांभर को एक बॉईल आते ही अब हम इसमें यहाँ पे हमने जो गुड़ और इमली का पानी बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और एक बार मिक्स करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सांभर गाढ़ा लगा इसलिए मैंने ऊपर से गर्म पानी ऐड किया है और जितना मुझे सांभर पतला चाहिए वो हिसाब से मैंने 10 मिनट तक कुक करके लिया है। तो अब हम यहाँ पे 10 मिनट बाद चेक करके ले लेंगे हमारा सांभर कुक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आलू कुक हुआ है इसका मतलब हमारा सांभर यहाँ पे रेडी है। तो अब हम इसकी चटनी बनाने लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें 1/4 कप इतने सेंगदाने ऐड किए हैं, इनको अच्छे से हम सौते करके ले लेंगे और अब हम इसमें 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक इसमें डाल के उनको भी थोड़ा सा गर्म करके ले लेंगे और इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड की है। अब इनको हम साइड में रख के एक मिक्सी जार में 1/2 कप भर के मैंने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट लिया है खोबरा, इसमें हम थोड़ी सी इमली ऐड कर देंगे और हमने जो भून के सेंगदाने वगैरह रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और मुट्ठी भर इतना हम फ्रेश यहाँ पे धनिया पत्ती ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक ऐड करके पानी डाल के अब हम इस चटनी बना के साइड में रखते हैं और अब हम इसको एक तड़का बना के लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1/2 टीस्पून इतनी राई, 1/2 टीस्पून इतनी चना दाल ली है वो इसमें ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून इतनी उड़द दाल ली है वो इसमें ऐड कर देंगे, कुछ फ्रेश करी पत्ता ऐड कर देंगे, थोड़ी सी यहाँ पे मैंने हींग ऐड कर दी है और एक सूखी लाल मिर्ची ऐड करके इस तड़के को हम चटनी पे ऐड कर दें। तो यहाँ पे हमारी कोकोनट की चटनी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको साइड में रख के हमारी इडली निकाल के ले लेते हैं। हमारी इडली 10 मिनट पहले ही कुक हो चुकी थी तो अब हम इनको निकाल के ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक टूथपिक के हेल्प से चेक करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टूथपिक क्लीन है तो यहाँ पे इडली हमारी तैयार है। तो एक स्पून के हेल्प से या इस तरह से हम हमारी इडली को निकाल के ले लेंगे, बहुत ही इजी से ये इडलियाँ निकल जाती है। तो गर्मा गर्म हमारी इडली सांभर और चटनी एकदम से तैयार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इडली कितनी सॉफ्ट बनी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो के नीचे एक लाइक कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।